हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ टेक्निकल पीसीएस से जय एल महतो। और आप देखे होंगे थंबनेल पे कि जो अनबॉक्सिंग आज दिखाने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये राइजन 5 का जो बहुत ही एक बेहतरीन मॉडल में से एक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को आज टोटली अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो है कि मैंने ऑलरेडी बॉक्स से ओपन कर चुके हैं। फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद जो है कि फर्स्ट बॉक्स का ओपन हो गया, अंदर में और एक पैकेट है। तो इस पैकेट को भी मैंने अभी इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसको ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, इसका अंदर में और एक बॉक्स होगा जिसके अंदर पे आपका जो है कि गेमिंग लैपटॉप यानी कि राइजन 5 एस्पायर 7 लैपटॉप होगा। तो ये लैपटॉप जो है कि एक इस रेंज पे एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल है। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा टोटली ये गेमिंग लैपटॉप है और इसका जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है। प्लस इसमें जो ग्राफिक्स है ना, एनवीडिया का ग्राफिक्स है, ये 4GB ग्राफिक्स के साथ आया हुआ फ्रेंड्स। और ये टोटली गेमिंग यानी कि आप इसमें पबजी से लेके मतलब अच्छा से अच्छा गेम इसमें प्ले कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम में। तो ये जो गेमिंग लैपटॉप है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा है। और इस रेंज पे 50K के अंडर पे इससे बेहतर और कोई मॉडल हो ही नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं एसआर के इतना बढ़िया लैपटॉप जो है कि देखिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये जो है कि इसके अंदर पे आपको लैपटॉप मिलेगा। उससे पहले ये दिखाना चाहूँगा कि इसके साथ क्या क्या और है। तो देखिए, ये जो पैकेट है, ये पैकेट का अंदर पे आपको ये एक चार्जर है जो 90 वाट का चार्जर आपके साथ मिलेगा। तो देखिए, इसके साथ जो है कि एक पावर केबल के साथ एक चार्जर कंप्लीट है और साथ में और कुछ मैनुअल होगा फ्रेंड्स। देख सकते हैं नीचे में कुछ मैनुअल दिखा जा रहा है। तो ये मैनुअल भी इसके साथ है और एक यूज़र गाइड दिया हुआ फ्रेंड्स। तो इसको देख के आप इसको कैसे क्या करना है, आप कैसे पावर कनेक्ट करना है, कैसे इसमें क्या करना है, सारी चीज़ इसमें दिया हुआ फ्रेंड्स। तो आप लोग इसको देख के कर सकते। देखिए, ये जो लैपटॉप ओपन हो चुका है कितना बेहतर। ये जो है चारकोल ब्लैक, तो यानी कि ये ब्लैक कलर का ये जो है एसर का ये लैपटॉप है और गेमिंग लैपटॉप है फ्रेंड्स। और देखिए, देख सकते हैं इधर यूएसबी 3.2 है, एक मिनी यूएसबी है, एचडीएमआई है, लैन पोर्ट दिया हुआ इधर। ओके, और दूसरा साइड पे आप लोग को दिखाना चाहूँगा, ये जो है आप लोग को दूसरा साइड में दिखाना चाहूँगा। देखिए, इधर से तो पावर मैंने कनेक्ट कर चुके हैं चार्जिंग का। और ये जो है इधर आप लोग देख सकते हैं कि और एक पॉइंट दिया हुआ है। तो आप जो है कि ये जो इसको मैंने पहले तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट करके इसमें पावर कनेक्ट कर देते हैं, इसके साथ इसको डाल के पावर कनेक्ट कर देंगे क्योंकि इसमें चार्ज अभी न्यू है तो बहुत कम रहेगा फ्रेंड्स। तो इसको मैंने अभी चार्ज पर लगा देते हैं। देखिए, मैंने इसको कनेक्ट कर देता पावर में। जी हाँ, इस साइड में पावर का पॉइंट है तो पावर पॉइंट में मैं इसको कनेक्ट कर दिया फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर आप लोग नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आज ये जो है अनबॉक्सिंग करके टोटली कॉन्फिगर करके आप लोग को दिखाने वाला है ये गेमिंग लैपटॉप। तो देखिए, मैंने इसको अभी ऑन कर दिया फ्रेंड्स। ऑन करने के बाद आप लोग देखिए, देख सकते हैं ये सर आ चुका है। तो न्यू अगर आप लोग लैपटॉप परचेस करते हैं तो आपको भी इसी टाइप का करना होगा कॉन्फ़िगर करने के लिए फ्रेंड्स। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पर जस्ट हम देखिए, यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन आ चुका है। स्टार रीजन, सॉरी नॉट लैंग्वेज, यहाँ पे जो है कि रीजन को सिलेक्ट करना होगा। तो अपना जो रीजन होगा फ्रेंड्स, अपना रीजन डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे इंडिया चूज किए और नेक्स्ट किए। यहाँ जो है द कीबोर्ड लेआउट, तो कीबोर्ड का जो लेआउट है आप इंडिया रख सकते हैं यहाँ पे, या यूएस, जो भी आपको रखना है यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ वाईफाई कनेक्टिविटी का पूछ रहे हैं कि जो भी रेंज पे आ रहा है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं या कनेक्ट भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट किए फ्रेंड्स। नेक्स्ट करने के बाद देखिए, ये जो है कि फिर से रिबूट हुआ है। रिबूट होने के बाद एसर का जो आ रहा है ये बहुत ही जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस सिस्टम के साथ जो है कि 512 GB यानी 512 GB इसमें आपको इनबिल्ट SSD कार्ड मिलता है। तो ये सिस्टम बहुत ही फास्ट होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें SSD के साथ आता है, प्लस 8 GB रैम है इसमें। और जो है कि इसमें जो ग्राफिक्स कार्ड है फ्रेंड्स, DDR6 ग्राफिक्स कार्ड 16 है। तो ये बहुत
स्पीड होने वाला सिस्टम, और जो है कि इसका परफॉर्मेंस जो है गेमिंग प्लस नॉर्मल यूज़ के लिए भी बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये जो है ये टोटली गेमिंग लैपटॉप है, और गेमिंग लैपटॉप के साथ साथ जो है कि आप नॉर्मल भी कुछ भी वर्क इसमें कर सकता है, जैसे कि फोटो स्टूडियो का काम तो और बेहतरीन इसमें होगा, प्लस फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग का काम भी आप लोग इस लैपटॉप से बहुत ही इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही हाई 4 GB का DDR6 ग्राफिक्स आपके इसके साथ मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग सोचते हैं कि कुछ इस रेंज में 50,000 का रेंज पे अगर आप लोग लेना चाहते हैं कोई लैपटॉप, तो आप राइजन 5 को चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो राइजन 5 ये जो एस्पायर 7 एसर का एक बहुत ही अच्छा मॉडल है, क्योंकि इस रेंज पे आपको डेल, HP, लेनोवो या जो ब्रांडेड सिस्टम है, अदर्स ब्रांडेड सिस्टम इस प्राइस पे अवेलेबल नहीं है। मैंने काफ़ी इसमें नेट पे सर्च किए लेकिन इस प्राइस में नहीं मिला। तो ये जो है एसर का राइजन 7, आप लोग देख सकते हैं ये जो है एनवीडिया जी फोर्स ग्राफिक्स है एस्पायर 7, तो ये बहुत ही अच्छा मॉडल में से एक है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर आप लोग अगर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपना दोस्त लोग को भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।